इसमें आपका क्या है? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। इस बात को जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तो सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को कहने से पीछे नहीं है। और इस प्रकार से यदि देखेंगे, यदि कुएं में भांग हो तो बाकी का क्या कहना है। पूरे प्रदेश में सरकार की यही हालत है। क्या कहती है? नैतिकता कांग्रेस से अपेक्षा करना बेकार है। नैतिकता तो यह है कि सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। 7 तारीख से विधानसभा चालू है, उस पर प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक नए संस्कृति को इन्होंने जन्म दिया है, वो है चाकू घोंपने का। राजधानी में आप लगातार देख रहे हैं चाकूबाजी की घटना हो रही है, लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है। आप यह देखेंगे अवैध नशे का कारोबार, और जिस बात को लेकर के कांग्रेस सत्ता में आई, आज शराब के बंदी के बाद छोड़ दीजिए, शराब की नदियां गांव-गांव में बहाना शुरू कर दी है, मोहल्ले में बहाना शुरू कर दिया। इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस भागना चाहती है, सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और मैंने मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा है कि बजट जैसा सत्र यदि 13 दिन का हो तो चर्चा किस बात की होगी और किस मुद्दे पर चर्चा होगी, ये चर्चा करानी नहीं चाहते, केवल अपने शासकीय बिजनेस पारित कराना चाहते हैं और सरकार मुद्दा से भागना चाहती है।